हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर चीजर्स। सो आज का सेशन होगा बैंकिंग अवेयरनेस के सीरीज का लेक्चर 8, विच इज करेंसी प्रिंटिंग। सो अगर आपने इसके बाकी के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, सो बैंकिंग अवेयरनेस की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवेन है, सो आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। सो बैंकिंग अवेयरनेस हमारी बैंक्स के मेंस के एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अभी आपके बहुत सारे बैंक्स के मेंस के एग्जाम्स लगे हुए हैं, सो उनके आने से पहले आपके बैंकिंग अवेयरनेस कवर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इन लेक्चर्स में आपको बैंकिंग अवेयरनेस बहुत ही इजी लैंग्वेज में कवर कराई जाएगी, जिसके बाद आपके लिए एग्जाम्स में बहुत इजी हो जाएगा बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज का टॉपिक, विच इज़ करेंसी प्रिंटिंग। सो करेंसी जो होती है वो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एंड आपको पता होना चाहिए कि आपकी करेंसी टू टाइप्स की होती है, विच इज़ नोट्स एंड सेकेंड इज़ कॉइन्स। सो नोट्स की प्रिंटिंग कहाँ होती है एंड कॉइन्स का क्या होता है, मिंटिंग होती है। जैसे कि नोट्स की प्रिंटिंग होती है, वैसे कि कॉइन्स की मिंटिंग होती है। अब ये भी पता होना चाहिए कि जो नोट्स होते हैं उनकी प्रिंटिंग का प्रोडक्शन कौन देखता है, कॉइन्स की मिंटिंग का प्रोडक्शन कौन देखता है, इनकी सप्लाई कौन देखती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो नोट्स की प्रिंटिंग होती है उसकी सप्लाई कौन करता है, RBI करता है। देन आपका जो कॉइन्स है उनकी मिंटिंग की सप्लाई कौन करता है, वो कौन करता है, RBI करता है, ठीक है ना। उसके बाद जो प्रोडक्शन होता है, अब प्रोडक्शन जो है वो चेंज है, ठीक है ना। सो जो नोट्स है उनकी सप्लाई कौन करता है, RBI करता है। एंड जबकि कॉइन्स है उनका प्रोडक्शन कौन करता है, गवर्नमेंट करती है, विच इज़ मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस। सो आपको याद रखना है कि जो नोट्स है उनका तो जो सप्लाई है प्रोडक्शन है दोनों कौन देखता है, RBI देखती है। बट आपको जो कॉइन्स हैं उनका सप्लाई और प्रोडक्शन डिफरेंट है, विच इज़ प्रोडक्शन इज़ डन बाय गवर्नमेंट एंड सप्लाई इज़ डन बाय RBI। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ कि जो आपके नोट्स हैं और कॉइन्स हैं इनकी प्रिंटिंग और मिंटिंग कहाँ कहाँ होती है। अब ऐसे तो कोई कहीं भी स्टार्ट तो कर नहीं दी जाएगी, इनके लिए पर्टिकुलर प्रेसेस बनाई जाएंगी कि यहाँ नोट्स की प्रेस है, प्रिंटिंग प्रेस है, यहाँ पे कॉइन्स की मिंटिंग प्रेस है। तो सब कुछ क्या होता है, एक सिस्टमैटिक मैनर में होता है। सो जो नोट्स की प्रिंटिंग प्रेसेस हैं वो आपकी कहाँ कहाँ हैं वो देख लीजिए। फर्स्ट इज़ इन नासिक, सेकेंड इज़ इन देवास, थर्ड इज़ इन मैसूर एंड फोर्थ इज़ इन सालबोनी। सो कहाँ कहाँ है आपकी, नासिक, देवास, मैसूर, सालबुनी। उसके बाद आपकी कॉइन्स की प्रिंटिंग प्रेसेस कहाँ कहाँ हैं, नोएडा, हैदराबाद, मुंबई एंड कोलकाता। सो आपको बार बार इनको तीन चार बार लर्न करेंगे ना, मतलब तीन चार बार बोलेंगे भी ना तो आपको लर्न हो जाएगा कि नोट्स की प्रिंटिंग कहाँ होती है, नासिक, देवास, मैसूर, सालबुनी, एंड कॉइन्स की प्रिंटिंग कहाँ होती है, नोएडा, हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता। सो अब जो नोट्स की प्रिंटिंग है, जो प्रिंटिंग प्रेसेस हैं उनको भी अलग अलग चीज़ें मैनेज करती हैं। जैसे कि नासिक और देवास वाली जो आपकी प्रिंटिंग प्रेस है उनको कौन मैनेज करता है, RBI मैनेज करती है। वहीं आपकी मैसूर और सालबुनी वाली जितनी भी प्रिंटिंग प्रेस है उनको कौन मैनेज करता है, BRBNMPL। अब BRBNMPL क्या होता है वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है जब हमने RBI की सब्सिडरीज डिस्कस करी थी। सो अगर आप वो लेक्चर पढ़ लेंगे तो ये आपके लिए ईजी हो जाएगा। सो BRBNMPL जो है वो आपकी RBI की एक सब्सिडरी है। सो BRBNMPL का फुल फॉर्म क्या होता है, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। सो याद रखिएगा, नासिक और देवास वाली प्रिंटिंग प्रेस को कौन मैनेज करता है, RBI मैनेज करती है। मैसूर और सालबोनी वाली प्रिंटिंग प्रेसेस को कौन मैनेज करता है, आपकी BRBNMPL मैनेज करती है, विच इज़ सब्सिडरी ऑफ RBI। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ कि जो आप देखते हैं गवर्नमेंट रिलेटेड जितने भी पेपर्स होते हैं, स्टैम्प पेपर्स होते हैं, कोर्ट से रिलेटेड जितने भी पेपर्स होते हैं, अब उनके लिए भी तो कोई ना कोई पेपर मिल वगैरह होना चाहिए। अब वो तो ऐसा है नहीं कि वहीं प्रिंटिंग प्रेस में स्टार्ट कर देंगे जाके उनकी प्रिंटिंग, तो उसके लिए भी एक पर्टिकुलर पेपर मिल बनाई गई, विच इज़ इन होशंगाबाद, MP। सो याद रखिएगा कि जितना भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, स्टैम्प पेपर्स हैं, इनकी प्रिंटिंग कहाँ पर होती है, पेपर मिल में होती है, जो कि कहाँ पर है, होशंगाबाद, MP। सो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, सो आपको याद रखना ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ कि जितनी भी आपकी प्रिंटिंग प्रेस हैं, मिंटिंग प्रेस हैं, पेपर मिल है, अब इनको भी मैनेज करने के लिए कोई ना कोई अथॉरिटी तो चाहिए कि अब इतनी सारी प्रिंटिंग प्रेस हो गई, मिंटिंग प्रेस हो गई, आपकी पेपर मिल हो गई, अब कोई ना कोई तो चाहिए ना इनको मैनेज करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा लोड होता है RBI पे। अब इनको भी देखने के लिए एक हाई अथॉरिटी बनाई जानी चाहिए कि इनका जितना भी मैनेजमेंट है वो कौन देखेगा। सो उसको मैनेज करने के लिए कौन बनाया गया, सिक्योरिटीज प्रिंटिंग मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। सो ये गवर्नमेंट लिमिटेड कंपनी थी, विच इज़ सिक्योरिटी प्रिंटिंग मिंटिंग कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड। सो इसको हम किस नाम से जानते हैं, मिनी रत्न के नाम से भी जानते हैं। सो याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है,
SPMCI, which is Securities Printing and Minting Corporation Private Limited. So iska establishment kab karaya gaya? 2006 mein iska establishment hua aur iska function kya hota hai? To improve the coordination and management of currency and securities printing. So maine ki jaise aapko bataya ki jo iska main purpose tha isko banane ka, is company ko banane ka, is authority ko banane ka, ki ye jo thi wo aapko kiska management karegi, aapki jitni bhi 9 units hain, aapki Nasik, Devas, Mysore, Salboni, Noida, Hyderabad, Mumbai, jitni bhi aur paper mill wali aapki Hoshangabad MP, so inko sabko kaun manage karta, uske liye kya banaya gaya? SPMCI. So isko sabko dekhne wali ek company banayi gayi, which is SPMCI. So exam mein ye bhi pucha jata hai ki SPMCI ke CMD kaun hai. So yaad rakhiyega, SPMCI ke CMD hai Tripti Patra Ghosh, and iska headquarter kahan pe hai? New Delhi mein. So ye sab tha aapko kisse related? करेंसी प्रिंटिंग से रिलेटेड, की करेंसी प्रिंटिंग की कितनी ज़्यादा यूनिट्स होती हैं, कहाँ कहाँ प्रिंटिंग होती है, नोट्स की प्रिंटिंग कहाँ पे होती है, कॉइन्स की मिंटिंग कहाँ पे होती है, पेपर मिल कहाँ पे है. सो ये सब आपका कवर हो गया. किससे रिलेटेड? करेंसी प्रिंटिंग से रिलेटेड. सो आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा. बाकी आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं. और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है देन डू लाइक दिस सेशन. अगर आपके कोई भी डाउट्स, कोई भी सजेशंस हो तो आप उन्हें मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं. और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले. थैंक यू सो मच.